अफरायतुम मा तहरुथून, भला बताओ तो सही कि जो कुछ तुम काश्त करते हो, अंतुम तज़राउनहु अम नहनु ज़ारेउन, क्या तुम ही हो जो उसे उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। अब इसमें ज़ाहरी जवाब तो ये नज़र आएगा कि वो कहते हैं हम उगाने वाले हैं, लेकिन वो उगाने की जो सिफात पैदा हुई हुई हैं बीज के अंदर, उन सिफात की ये नकाली भी नहीं कर सकते, नामुमकिन है। तो बना बनाया उगाने का निज़ाम हाथ में पकड़ा दिया गया तो उगाते हैं, वो ना हो तो उगा सकते ही नहीं। तो ज़ाहरी तौर पर एक ज़िम्मेदार कह सकता है कि हम उगाते हैं, वो बेवकूफ़ी और हिमाकत है। और जिसको वो कहता है उगाते हैं, वो पता भी नहीं चलता बाज़ दफ़ा, वो बीज वो डालते हैं जो उगता ही नहीं। ऐसे ज़मीन में बाज़ असरात होते हैं, उन ज़मीनों में वो बीज नहीं उगता। तो सारा निज़ाम जो है बोने का और उगने का, ये कुलियतन अल्लाह के हाथों में है और उसी की तकदीर से चलता है। एक एक कदम पर खुदा के फैसले की मोहताजी है। लो नशाओ लजालना हुतामन फजल तुम तफक्कहून, अगर हम चाहते तो उसे हुताम बना देते। हुताम रेजा रेजा मुराद है, भूसे को के मुतालिक भी कहा जा सकता है, जो बेकार होकर रेजा रेजा जर्रा जर्रा हो जाए। तो अगर हम चाहते तो जो तुम उगाते हो उसे फल लाने से पहले ही रेजा रेजा कर डालते। फजल तुम तफक्कहून, फिर तुम बातें बनाते रह जाते। क्या बातें बनाते? इन्ना लमुग़रमून, यकीन हम तो चट्टी तले दब गए। जो कुछ खर्च किया था वो मुसीबत अपने ऊपर ही आ पड़ी, इस काश से हमें कोई फायदा ना पहुंचा। तो वही मुराद है कि हम उगाते हैं और हम ही ये फैसला करते हैं कि उगने के बाद वो अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। और इसके दरमियान कितने ही एहतमालात हैं कि जिनमें अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए उन फसलों को, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा सिवाय भूसे के, और चट्टी सर पे रह जाती है। ये कई दफ़ा खतूत भी आते हैं, हमें अपना भी तजुर्बा है। एक दफ़ा हमारा मेरा हजरत भाईजान का जो काश्त का प्रोग्राम था, वो इकट्ठे ही चला करता था अक्सर। तो जो कुछ हमने आला दर्जे के ट्रैक्टर खरीद के, उस दिन मैं और हजरत भाईजान सेन में भाईजान के उस ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर को दिखा रहे थे भाईजान, और कह रहे थे देखो ये इसमें खूबी है, अब ये मुसीबत की फसलें काटी हुई हों, ऊपर से बारिश हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए और फिर दाने ख़राब हों, ये सब झगड़े ख़त्म, अब आराम से ये जाएगा और सारे दाने बोरी में बंद हो के हाथ आ जाएंगे, फिर उनको उसी वक्त हम किसी जगह में महफूज जगह में पहुँचा देंगे, सारे झगड़े ख़त्म। ये बातें जब ख़त्म हुई तो मैं रवाना हुआ अहमदनगर जाके हालात देखने के लिए। फसल तैयार पड़ी थी और जाते जाते इतनी याला बारी हुई कि मेरी मोटर की जो छत थी आखिर वक्त तक जब तक तो मैं रही है उसमें यूं लगता था जिसमें चेचक हुई हुई है, उसको इतने बड़े ओले गिरे थे कि सारी छत दागों से भर गई थी। जब वहां पहुंचा अहमदनगर तो तमाम फसलें मिली हमें, एक दाना भी नहीं, और जितने जमींदार थे दिए थे उनका तो ये हाल था कि उनके मवेशी भी मर गए ओलों की वजह से। एक हमारे साथ जमींदार था, उस ओला उसकी छत फाड़ के गाय की कमर पे गिरा और कमर दो टुकड़े कर दी। इन छत फाड़ने में जो उसकी ताकत खर्च हुई होगी वो उसके अलावा थी। उसके बाद अगर गिर भी जाए तो मामूली सा गिरता है। और एक ओला मैं खुद उठा के लाया हूँ वहां से, जो शुक्र है हमारे, अगर मोटर पे गिरता तो मोटर की छत फाड़ के उतर आता। वो मैंने देखा तो इतना बड़ा
ओला पड़ा हुआ था, जो पिघलने के बाद भी जब हम घर लाए तो याद है एक शेर का था, या कितना निकला था, है काफी बड़ा। इनको मैंने दिखाया था, इतनी देर वहाँ पिघला रहा, वहाँ घंटा मैंने लगाया होगा, पानी के अंदर बड़ी जल्दी पिघलता है। और वापस आके जो तोला तो करीबन 1 किलो का था। तो 1 किलो अगर ऊपर से गिरे किसी चीज़ पर तो टुकड़े उड़ा देता है उसके। तो ये है जिसके मुतल्लिक फरमाया अल्लाह ताला, ये तो हम करते हैं, अगर हम ये फैसला कर लें तो तुम्हारा कुछ भी तुम्हारे हाथ ना आए, महरूम ही रह जाओ, ये बातें बनाओगे। तफक्कहून इन्ना लमुग्रमून, हमारा तो सारा खर्चा ऊपर पड़ गया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो कुलियतन महरूम हो चुके हैं। क्या तुमने उस पानी पर गौर किया है जो तुम पीते हो? आंतुम अनजल तो मुंह हो मिनल मुजने अम नहनुल मुंजिलून, क्या तुम ही उसे बादलों से उतारते हो या हम हैं जो उतारने वाले हैं? इतना अजीम निज़ाम है पानी उतारने का कि अगर वो निज़ाम पैदा ना हुआ होता तो जो पानी चढ़ जाए वो उतर सकता ही नहीं था। गैर मामूली निज़ाम है जो समंदर से उठने से पहाड़ों तक जाने तक मुकम्मल एक दूसरे के साथ मुताबकत करने वाला निज़ाम है। और अगली बात जो है, लौ नशाओ जाल ना हो उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते तो उसे खारा कर देते, बस तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अब जितने भी आमतौर पर बुखारात उठते हैं वो उस जहर को लेकर उठते हैं जिस बुखारात जिस जहर के साथ कोई पानी मिला हुआ हो। इसलिए जो भी आप चीज़ें गर्म करते हैं अगर उनमें जहरीले मादे हैं तो सारे कमरे को जहर से भर देंगे। लेकिन पानी का ये निज़ाम है जो बिल्कुल अलग है, खारे पानी से पानी उठता है और बिल्कुल शफाफ होकर उठता है। तो खारा कर देने में ये मज़मून है कि जिस तरह बाकी चीज़ें जो भाप बन के उठती हैं तो अपना अपना जहर लेकर उठती हैं, और पानी एक ऐसी चीज़ है जो अपना जहर पीछे छोड़ कर उठता है। फलौला तशकुरून, अगर शुक्र करने का मादा होता तो इसमें से एक एक निशान ऐसा है जो अल्लाह ताला की हस्ती की दलालत कर रहा है, हस्ती की तरफ इशारे कर रहा है। अफराय तुम नार अल्लती तुरून, बताओ तो सही कि वो आग जो तुम रोशन करते हो, अंतुम अनशा तुम शजरा तहा अम नहनुल मुनशेऊन, क्या तुम उसका शोला उठाते हो या हम हैं जो उसे उठाने वाले हैं? अब ये बताएं, शोला उठाने वाला जो किस्सा है इसमें कौन सा निशान है? आग जो है उसमें शोले का एक बहुत अहम काम है, और ज़रूरी नहीं था कि आग से शोला भी उठता। चीज़ें जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा वो लोहा जब पिघलता है तो उसकी गर्मी कितनी शदीद होती है। बाज़ चीज़ों के पिघलने का दर्जा हरारत जो है वो ऐसा है कि आम आग जो हम घरों में देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा है, मगर शोला नहीं उठता। ये रोज़मर्रा शोला उठने का जो निज़ाम बनाया गया है, अगर ये निज़ाम ना होता तो दुनिया में जितने जेट हैं वो चल ही नहीं सकते थे, वो शोले की ताकत से चलते हैं। शोला उठकर जब पीछे की तरफ जाता है तो जिस चीज़ से उठता है उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब आयात में बहुत गहरे साइंसी मजामीन बयान हुए हुए हैं, इसलिए अफरैतुम की तकरार है, मतलब है गौर किया है कभी? दरअसल इंसान जब बातों पर गौर करेगा तो फिर उसको जवाब मिलेगा, उससे पहले उसके नज़दीक ये बातें इत्तेफाकी और हादसाती हैं। हमने उसे बनाया है, एक बहुत बड़ी नसीहत है उसमें, व मताल लिल मुकवीन, उसमें मुसाफिरों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। देख लिया,
शोले का फायदा मुसाफिरों के लिए क्या है, ये जब कारें भी चलती हैं तो शोला भड़कता है तो कार चलती है, अगर शोला ना भड़के तो ना वो इंजन चल सकता था, ना वो कार चल सकती थी, ना हवाई जहाज का इंजन चल सकता है। तो मुसाफिरों का कहना साफ साबित कर रहा है कि उसमें इनके लिए बहुत बड़ी नसीहत की बात है।